पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को एक माह के लिए 3 MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही एक माह के लिए कैंप जेल लाहौर में ही नजरबंद रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोजा दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक दौरा ईरान में ईरान की अस्करी क्यादत से आर्मी चीफ की मुलाकातें, सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर तावन पर इत्तफाक किया गया। पाक ईरान फौजी सरबराहान ने दहशतगर्दी खत्ते दोनों मालिक के लिए मुश्तरक खतरा करार दिया। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का अहम इजलास। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफी बयानात पर तशवीश का इजहार। दोनों ब्रादर इस्लामी मालिक को फाम तफीम का रास्ता अख्तियार करने पर जोर। मुसलसल छापों के बावजूद पुलिस 9 मई वाकियात में मुलविस हजारों मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जराए महकमा दाखिला के मुताबिक KP में 9 मई के पुरतशद्दुद वाकियात में मुलविस 8,417 मुलजमान की शनाख्त न हो सकी न गिरफ्तार हो सके। सूबे के मुख्तलिफ इतला में 8,000 से ज्यादा मुलजमान पुलिस को मुतअद्दिद दफात में मतलूब हैं। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, PTI एक अहम स्टेक होल्डर है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 9 बहुत मुहिम है। दो बड़ों में बातचीत हो चुकी, बाकी को कुछ मालूम नहीं। वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मुस्लिम लीग नून अदम इस्तेहकाम का शिकार है। गवर्नर सिंह का कराची में 2 रुपए में रोटी फराहम करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शहर में 300 तंदूर लगाए जाएंगे जहां रोटी 2 रुपए में दस्तयाब होगी। 10,000 तुलबा IT कोर्स में शिरकत के लिए टेस्ट दे रहे हैं। IT प्रोग्राम की तकमील के बाद नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर का कहना है कि बिजली सार्फीन के पीक और 2 घंटे बढ़ा दिए गए। अब पीक आवर्स शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक होंगे। 3 फेज मीटर वालों को पीक आवर्स में 1 यूनिट बिजली कीमत में 50 रुपए अदा करना होगी। लियारी गुलस्तान कॉलोनी में पुलिस एहलकार को इसके भाई और भतीजों ने मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल गार्डन हेडक्वार्टर में तैनात था। फायरिंग का वाकया झगड़े के दौरान पेश आया। मकतूल को इसके भाई गुलजमीन और उसके 4 बेटों ने मिलकर कत्ल किया। झगड़ा जायदाद के तनाजे पर हुआ, जिसके बाद मुलजिमान फरार हो गए। जनूबी कोरिया में सैलाब से होने वाली हलाकतों की तादाद 39 हो गई। शदीद बारिशों लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही। जनूबी कोरिया के सदर की रेस्क्यू ऑपरेशन और बहाली के लिए तमाम मसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। और एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले 2 और 10 सितंबर को श्रीलंका में होने का इम्कान। वेन्यू को कोलंबो या कैंडी होगा। भारतीय टीम की पाकिस्तान से इनकार के बाद एशिया कप खतरे में पड़ गया था। नजम सेठी के हाइब्रिड मॉडल की तजवीज को भारत ने बादल नखास्ता कबूल किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें तफसील के साथ होंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।